मैडम मैंने कार्ड में लिखवाया है कि शादी समारोह में शराब पीकर ना आए। ये किसका प्रोविजन था, लड़की का था कि पूरे परिवार का? मैडम ये पूरे परिवार का है, क्योंकि हमने ये सोचा कि शादी समारोह एक खुशी का त्योहार, खुशी का माहौल है, और इसमें क्या ज़्यादातर लोग बात ड्रिंक करके आते हैं, उसको करने के लिए। और उसके अलावा मैं ये संदेश देना चाहता था पूरे समाज को कि शादी समारोह में यदि आदमी ड्रिंक करके आता है तो जो जो भी खुशी का माहौल रहता है कभी कभी लड़ाई में तब्दील हो जाता है। तो आपने सोचा ना पिएंगे ना पीने देंगे? ना पिएंगे और ना ही पीने देंगे। यदि कोई पीके भी आता है तो वो शादी में क्या इसके लिए आपके जो लड़का पक्ष वो भी तैयार हो गया? मैडम उनसे बात करी थी मगर उन्होंने थोड़ा हाँ हूँ, थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव तरीके का बोला था, मगर वो भी तैयार हो गए। ऐसा नहीं है पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए तो कह देंगे बहाना था एक ओकेजन का। मैडम वो तो आपका कहना ठीक है, कहना बहाना चाहिए, मगर फिर भी यहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि जो पी के आए उनको एंट्री ना दी जाए। क्या करेंगे आप, मान लो कोई पी के आए? पी के आए तो हर का मुंह तो आप सूंघेंगे नहीं, क्या स्थिति रहेगी? तो मुंह तो नहीं, वो सही बात है मैडम, मगर पी के जो आएगा तो उसके बाय फेस से हमको समझ में आ जाएगा कि आदमी पी के आया है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो मतलब बारात में उसको एंट्री नहीं देंगे, कहीं और व्यवस्था उसकी रुकने की? हाँ बारात में उसको यहाँ पर जो एंट्री है वहाँ नहीं देने देंगे, मगर हाँ कहीं जो दूसरी जगह हम व्यवस्था करेंगे कि भाई आप लोगों को ड्रिंक करके आए हो आप यहाँ रहे, जो जो भी है वो आप यहाँ पर रहें और यहाँ पर बैठ के आपने एंजॉय करें।